तो स्वागत है आप सबका। आज हम हार्दिक पांड्या पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। Rahul's also stalking everyone on Instagram. He's also very good at casting We all do. videos. It's not Rahul. That's all of you. We have a lot of time. तो इधर ये दोनों बात कर रहे हैं कि ये लोग इंस्टाग्राम में हॉट हॉट लड़कियों को सर्च करते और उनको जंगली कुत्तों जैसे घूरते रहते हैं। भोसड़ी वालों, गेम पे भी ध्यान दो थोड़ा। राहुल, तूने जो हगा है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में, तुझे आउट करने के लिए इनस्विंग, आउटस्विंग, यॉर्कर, बाउंसर, इसमें से कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ता था। बस बॉल डालो तो कुछ ना कुछ चूतियागिरी करके आउट हो जाता था। और हार्दिक, हमारा हड्डियों का ढांचा कुछ होते ना होते गिर जाता था और इंजर हो जाता था। अरे भोसड़ी वाले, इंस्टाग्राम में लड़कियों को ढूंढना बंद कर और अपने फिटनेस पे ध्यान दे, साला चूतिया। Just watching and just observing how they move. Yeah, how they move. अच्छा, is that group. Is that important to you? Obviously. It gives you an indication. Yeah. As I said, I'm little from black side, no, so I have to see how they move first. अच्छा, okay. That's I can very imagine the picture. देख हार्दिक, तू काला है ठीक है, मेरा लंड भी काला है इसलिए तू मेरे लंड से, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रहा है कि तू काला होने की वजह से तेरा लड़कियों का मूव देखना क्यों जरूरी हो जाता है। हम गोरे लड़कों को भी लड़कियों का ठुमकना काफी पसंद है बेटा हार्दिक। अरे कहना क्या चाहते हो? आई बिलीव वंस योर डैड हैज गॉट अ कंडोम इन योर वॉलेट। माय मदर ओनली यूज्ड टू, so I used to always carry. So that's very cool. By the way, I've been like, my family, I've been like open about everything. When they I know lost all about virginity, when I lost virginity only I can lose. So I lost, I told them, I said, आज कर क्या? And my parents have watched. What? वाह भेंचोद वाह, इधर अगर टीवी पे गलती से सनी लियोनी आ गई तो मेरा बाप रिमोट ढूंढता है चैनल चेंज करने के लिए, और उधर इसकी माँ इसको बोलती है बेटा तू कॉन्डम लेके घुमा कर, और ये चूतिया भी अपनी माँ को बोलता है माँ आज मैंने जो किया है वो सुन के तेरी छाती और फूल जाएगी, माँ जो कॉन्डम तूने दिया था भली थोड़ा फटा हुआ था लेकिन मैंने वो इस्तेमाल करके अपनी वर्जिनिटी खो दी माँ। इसके जगह अगर मैंने अपनी माँ को बोला था ना माँ मैं आज करके आया, तो पहली बात तो मेरी माँ मानती नहीं, बोलती जो तेरी शक्ल है तुझसे लड़का नहीं पटने वाला, लड़की तो दूर की बात है, और अगर मान भी जाते ना तो मेरे पीठ पे जो बेल्ट और जूतों के निशान पड़ते ना, हाय माशाल्लाह मेरा 3 हफ्ते तक बुल्ला खड़ा नहीं होता। दादा नहीं, आई वोंट नेम व्हिच पार्टी, बट देयर वाज अ पार्टी व्हेन माय पेरेंट्स आर सिटिंग एंड आई लाइक दे लाइक अच्छा तेरा वाला कौन कौन है, एक्चुअली आई सेड विद देम एंड आई लाइक ये मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ रहा है मेरा, बोलते वाह प्राउड ऑफ यू बेटा, थैंक्स। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हार्दिक पांडे ने अभी अभी बोला कि उसने अपने बाप को बिठाया और दिखाया कि इस लड़की को मैंने छोड़ा है, और उसके बाप ने बोला वाह बेटा प्राउड ऑफ यू। मिस्टर पांड्या आपका धन्य हो, आपके जैसे पिताजी अगर सबको मिल जाए ना तो सबका खेलना कूदना पढ़ना और हिलाना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी वाइफ खुद कॉन्डम देगी बेटे को और जब बेटा उसका इस्तेमाल करेगा तो आप बोलोगे वाह बेटा प्राउड ऑफ यू। विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन? विराट। ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। यही होता है जब आपको मालूम होता है कि आपको नौकरी से कभी भी निकल सकते तो बॉस के तलवे ही चाटने लगते हो ताकि आपकी नौकरी रह जाए। मैंने आपको शॉर्ट में बता दो कि हुआ क्या है, ये बंदा शो पे आया था कूल डूड बनने के लिए, लेकिन शो रिलीज होने के बाद ये बंदे के शरीर में एक बूंद पानी भी नहीं बचा है अभी। और जब आप छोटे थे आपके माँ बाप बोलते थे ना कि तेरा ये दोस्त गलत है तू इससे दूर रहा कर, बस केएल राहुल के साथ वही हुआ है, उसने पूरे शो में सिर्फ एक ही चूतिया गिरी की ये बोल के कि सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अच्छा बैट्समैन विराट कोहली है, लेकिन बैन इसको भी किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हार्दिक पांडे के साथ बैठ के उसके अडल्ट जोक्स पे हंस रहा था। इसीलिए कहते चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ माँ बाप की बात को कभी मत टालना। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो यार, और फेसबुक में भी हमारा एक पेज है लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाइक और फॉलो करो। चलो थैंक यू, बाय।